हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक नई रेसिपी जो सबको अक्सर बहुत पसंद आती है, और अक्सर घर के लोग जब रेस्टोरेंट जाते हैं ना तो ये रेसिपी जो है ज़रूर ऑर्डर करते हैं, जो है दाल मखनी। दाल मखनी तो सबको बहुत पसंद आता है, खासकर रेस्टोरेंट वाले दाल मखनी अगर घर पर बन जाए तो वाह जी वाह, क्या बात है। तो मैं आज आपको ये रेसिपी बताऊंगी बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप मैंने उड़द की दाल ली है, ये हरे छिलके वाली उड़द की दाल है, और मैं आधा कप राजमा लूँगी। आप चाहो तो काले उड़द की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो दाल तड़का बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे राजमा को लगभग एक घंटे पानी में भिगा के रखा था। इसे दोनों दाल को अच्छी तरीके से धोकर इसे लगभग प्रेशर कुकर में 5 से 6 सीटी आने तक पकाएंगे। इसमें मैं एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक डाली हूँ। नमक हमें तड़के में भी डालना है तो इसलिए हम नमक थोड़ा देख के डालेंगे। अब मैंने इसे प्रेशर कुकर को रख दिया। अब मैं तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालूंगी, और आप चाहो तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और एक बड़ा प्याज कट करके डालेंगे, एकदम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, और लहसुन और प्याज को अच्छी तरीके से भुनेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे जब तक ये कलर ना हो। यहाँ पे देखिए दाल कितने अच्छी तरीके से पक गया, राजमा भी जो है दाल में अच्छी तरीके से पका हुआ है। अब इसमें देखिए पानी थोड़ा कम है तो पानी हम थोड़ा गर्म करके रख लेंगे दाल में ऐड करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर तड़का के लिए प्याज भी अच्छी तरीके से ब्राउन कलर हो गया है। अब मैं यहाँ पर एक बड़ा टमाटर ग्रेवी रखी हूँ। टमाटर को आप चाहो तो चॉप्ड करके भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर प्यूरी का इस्तेमाल किया है। इसे हम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे जबकि टमाटर अच्छे तरीके से भुन ना जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला भी ऐड करेंगे। इसमें लगभग 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमें देख के डालना है, हमने दाल में भी नमक डाला था तो इसमें भी नमक डालेंगे। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड करिए, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर। आप चाहो तो ग्रीन हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रीन चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है जिससे दाल का कलर जो है बहुत ही सुनहरा निकल के आएगा। ये देखिए मसाला कितने अच्छी तरीके से भुन गया है, तेल देखिए साइड साइड पे तेल छोड़ने लगे हैं। अब हम इसमें दाल जो है हमने दाल कुक करके रखा था दाल ऐड करेंगे। दाल अभी बहुत गाढ़ी लग रही हो तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हो। तो मैंने जिस कुकर में दाल बनाया था उसी में ही थोड़ा सा 1/2 कप पानी डाल के अच्छी तरीके से दाल में बॉयल आने तक पकाएंगे। दाल अभी बहुत गाढ़ी है तो आप गाढ़ा और कितना पतला चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए तो मैं इसमें लगभग 1/2 कप पानी इस्तेमाल करूँगी। मैंने पानी यहाँ पे गर्म लिया है, आप भी गर्म पानी लीजिएगा। ठंडा पानी अगर डालिएगा तो दाल का जो टेस्ट है ना, स्वाद है ना, वो कम हो जाएगा। तो आप एकदम ध्यान से गर्म पानी लगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल लूँगी। धनिया पत्ता डाल के इसे दाल को अच्छी तरीके से मिलाएंगे जब तक इसमें बॉईल ना हो। हम इसे कंटिन्यू मिलाते रहेंगे क्योंकि दाल बहुत गाढ़ी है तो ये चिपकने का डर रहेगा, तो इसे आप कंटिन्यू चलाते रहिएगा। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला डालूँगी टेस्ट के लिए। धनिया पाउडर डालने से दाल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत काफ़ी अच्छा हो जाता है, एकदम रेस्टोरेंट वाली ये दाल मखनी बन के आएगी। अब मैं यहाँ पर लगभग 1/2 कटोरी घर की रखी हुई मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। मलाई को मैंने फेट लिया था, आप चाहो तो अमूल क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मलाई डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और ये दाल देखिए कितनी क्रीमी क्रीमी लगेगी, और इसका टेक्सचर भी देखिए कितना गाढ़ा लगेगा। ये दाल ना रेस्टोरेंट में हम लोग काफ़ी मज़े से खाते हैं, तो आप रेस्टोरेंट जैसे दाल घर पे बनाओगे तो आपके घर के सभी लोग बहुत ही हैप्पी हो जाएंगे। अब हम इसे ढककर 2 मिनट तक छोड़ देंगे, और यहाँ पे मैं कलछल में तड़का ले रही हूँ। आप चाहो तो फ्राइंग पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बटर अभी देखिए घी जब हम कलछल में लेंगे तो गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे जिससे घी जो है जलेगा नहीं। और इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, मैं यहाँ पे लगभग 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। लाल मिर्च पाउडर डाल के हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे, 1/2 चम्मच हींग डालेंगे। हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत ही 2 गुना हो जाता है। अब मैं इस तड़के को देखिए दाल में डालूंगी और अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये हमारा दाल तड़का जो है रेडी हो गया है खाने के लिए। मैंने ये दाल मखनी जो है ना लगभग 6 लोगों को सर्व करने के लिए बनाई है, और इस दाल मखनी के साथ तंदूरी रोटी हो या पराठे हो या फिर कुलचे हो, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लगते हैं। तो ये रेसिपी आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को हिट करिएगा जिससे आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तब
मैंने देखे यहाँ पे इसे एक दाल मखनी को एक बड़े बाउल में निकालूंगी और इसमें मलाई से मैं एक सर्कल जैसा शेप बना के इसे सर्व करूंगी। ये देखने में एकदम रेस्टोरेंट जैसे लगेगी ना, कैसे लगेगा रेस्टोरेंट में हम लोग दाल मखनी खा रहे हैं, घर बैठे बैठे रेस्टोरेंट का मज़ा उठाएंगे। तो चलिए आप भी बनाइए और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बनाओ खाओ इन्जॉय करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।